नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 23 सितंबर के पेपर के बारे में। दोस्तों, पेपर के दोस्तों सभी पार्टों के प्रश्नों की चर्चा करेंगे दोस्तों, और ये भी आपको बताऊंगा कि किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं और उनका सही आंसर क्या होगा। और दोस्तों, आपका नेक्स्ट डे या अदर डे एग्जाम है तो आपके लिए ये भी मैं बताऊंगा कि आपके लिए कौन से प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से प्रश्न आप ज़्यादा कवर कर लें कि आप एग्जाम को अच्छे से पास कर जाएंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पूछे गए सारे प्रश्नों को। एक बात दोस्तों मैं बता दूं, दोस्तों मैं अन अकेडमी की लर्निंग ऐप पे भी पढ़ाता हूं। दोस्तों, आप अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप मेरा नाम अजय सिंह सर्च करके आप मुझे वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं और वहां पे मेरी सारी वीडियोस को दोस्तों आप फ्री में देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं 23 सितंबर का पेपर। देख लीजिए दोस्तों, ये आपका पेपर है आज का 23 सितंबर, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है दोस्तों। और सेकंड और थर्ड शिफ्ट का दोस्तों पेपर देखने के लिए आप दोस्तों टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं टेलीग्राम पे वो पेपर को आपको दे दूंगा दोस्तों पीडीएफ के रूप में, आप वहां से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए दोस्तों। इसमें मैथ, रीजनिंग, आपका जीएस भी है और जनरल साइंस भी है, सारे प्रश्न इसमें है। सभी प्रश्नों को आप देखिए, और आपका नेक्स्ट एग्जाम है तो आप कैसे पढ़ेंगे ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, उसमें पहला एक प्रश्न पूछा गया था, प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो आंसर दोस्तों उसका हो जाएगा 9 जनवरी को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, तो इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश आए थे, इसलिए क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों, ये प्रश्न मैं आपको क्रैश कोर्स में पढ़ाया हुआ था और ये सेम प्रश्न आपका रिपीट हुआ है। अगर जो क्रैश कोर्स के आप वीडियो देखे हैं तो आपका यह प्रश्न गलत नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, पूछा गया प्रश्न है दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है। तो वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें एक और प्रश्न के मुख्यमंत्री से रिलेटेड आया था, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। तो देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री से रिलेटेड दो प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप सारे राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से रिलेटेड प्रश्न पढ़ लीजिएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है दोस्तों। और मैं अगर जो नहीं पढ़ पा रहा है तो क्रैश कोर्स के दोस्तों वीडियो देखेंगे तो उसमें मुख्यमंत्री और राज्यपाल से रिलेटेड सारे प्रश्नों को जो जो इंपॉर्टेंट है मैं करा दिया हूं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया था, सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है। तो दोस्तों उसका सही आंसर हो जाएगा रियाद है सऊदी अरब की राजधानी। और यह भी प्रश्न पूछा जाता है, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है। तो दोस्तों याद रखेंगे, सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है, यह भी चीज याद रखेंगे अगर जो आपका पेपर है तो यह भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा गया था, संपदा योजना किसके लिए शुरू की गई है। तो दोस्तों संपदा योजना, प्रधानमंत्री पूरा नाम है, प्रधानमंत्री संपदा योजना, कृषि कार्य को दोस्तों अच्छा बनाने के लिए, यानी कि कृषि कार्य को पूरक बनाने के लिए संपदा योजना शुरू की गई है, इसे भी याद रखेंगे। ये भी प्रश्न आज के डेट में पूछा गया प्रश्न है, आगे भी रिपीट हो सकता है। ये सब कुछ कुछ प्रश्न दोस्तों डेली डेली रिपीट भी कर रहे हैं इसमें से, तो अगर जो आप ये सब प्रश्नों को देखे रहेंगे सारे प्रश्नों को, तो इस टाइप के प्रश्न आएंगे या सेम प्रश्न आएंगे तो आप सही उसका आंसर दे देंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया था, मणिकर्ण प्रांत कहाँ पर स्थित है। प्रश्न है मणिकर्ण प्लांट कहाँ पर स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और हिमाचल प्रदेश में कहाँ, कुल्लू जिले में स्थित है मणिकर्ण प्लांट, ठीक है, इसे भी याद रखेंगे अगर जो आपका नेक्स्ट डे पेपर है तो। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, एक और प्रश्न पूछा गया था, गेम से रिलेटेड प्रश्न भी पूछा गया था, हॉकी विश्व कप 2018 कहाँ पर होगा, ये प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों ये कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में होगा, जो कि उड़ीसा राज्य में है। कहाँ है, उड़ीसा। तो दोस्तों उसमें आपका ऑप्शन दिया था उड़ीसा, तो आपका उड़ीसा आंसर सही हो गया होगा। और आगे का पेपर है तो स्टेडियम का नाम भी पूछ सकता है, तो स्टेडियम का नाम भी याद रखेंगे, कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर। और कब से कब दोस्तों ये होगा गेम, तो आपका 28 नवंबर से 16 दिसंबर 2018 के बीच होगा। और एक और दोस्तों इससे प्रश्न बन सकता है, महिला हॉकी विश्व कप 2018 ये कहां होगा दोस्तों, तो ये इंग्लैंड में हुआ है। कहां हुआ है, ये हुआ है दोस्तों, कहां हुआ है, इंग्लैंड में। कब से कब हुआ है दोस्तों, 21 जुलाई से 5 अगस्त के बीच ये हुआ है, ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। ये भी पूछा जा सकता है, महिला हॉकी विश्व कप 2018 का आयोजन कहां किया गया था, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इंग्लैंड। और कब से कब, 21 जुलाई से 5 अगस्त तक, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, इन सब प्रश्नों के आप पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम को दोस्तों आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूं, कमेंट बॉक्स में भी दे दिया हूं, कहीं से दोस्तों आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन की पीडीएफ भी मिलती रहेगी, जहां मैं समय समय पर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की भी क्वेश्चन की पीडीएफ मैं देता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, उसको कोई पैसा भी पेड नहीं करना होता है। लेकिन आप क्या होगा दोस्तों, वो सब देखेंगे तो आप एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर जाएंगे। मेरा दोस्तों प्रयास यही रहता है कि आप पेपर को अच्छे से पास कर जाए। और दोस्तों आप क्या हो कि आप मुझे ये कमेंट करके बताएं कि आपका सिलेक्शन हो गया है, तो इसमें मुझे बहुत खुशी मिलेगी, ठीक है।
दोस्तों। देखिए अगला दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया था इसमें आज के सुबह के मॉर्निंग शिफ्ट में, IMF का फुल फॉर्म क्या है। तो ये प्रश्न दोस्तों रिपीटेड है, मैं कराया चुका था इसका प्रश्न का आंसर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। और इसका हिंदी में दोस्तों मतलब क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, तो हिंदी में अगर जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी दिया रहे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका IMF का फुल फॉर्म से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना है। प्रश्न पूछा गया है तो चंबल नदी पर बना है दोस्तों। और ये आपका राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है, तो राजस्थान। ठीक है, चंबल नदी कहाँ है, राजस्थान, ये भी याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, ये रिपीटेड प्रश्न है, पिछले बार भी पूछा गया प्रश्न है, अभी कुछ दिन पहले आपका ये पेपर हुआ था ग्रुप डी में, उसमें भी आया हुआ प्रश्न है आपका, लगता है शायद 17 सितंबर के पेपर का प्रश्न है दोस्तों। गोल्डन बूट अवार्ड किसे मिला है, तो उसका नाम है दोस्तों उनका हैरी केन नाम है। और गोल्डन बूट अवार्ड किस में मिला है, तो फीफा वर्ल्ड कप 2018 में मिला है उनको। ठीक है, हैरी केन को मिला है गोल्डन बूट अवार्ड। ठीक है, तो अवार्ड से भी रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, एक प्रश्न उसमें पूछा गया है, कालिदास से पूछा गया था दोस्तों, कालिदास सम्मान यानी कि कालिदास अवार्ड किसे दिया गया है 2018 या 17 का पूछा गया है, उसमें सन क्लियर नहीं हो पाया है, तो दोनों को मैं लिख दिया हूं दोस्तों। 2000 अगर जो 18 आपका पूछा गया है तो नाम याद रखेंगे, लक्ष्मी विश्वनाथन उनका नाम है, 2018 के विनर है। और 2017 के कौन विजेते हैं दोस्तों कालिदास सम्मान के, तो राम राम गोपाल बजाज हैं। कौन है, राम राम गोपाल बजाज, इनका भी नाम याद रखेंगे। ये सब प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, यह प्रश्न कराया हुआ है। देखिए दोस्तों मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं दोस्तों जितना आपको पढ़ाया हूं सारे प्रश्न पेपर में आ रहे हैं। और दोस्तों अगर जो आप मुझसे पढ़े हैं तो आपका तो सिलेक्शन होना तय है। अगर जो दोस्तों आप नहीं पढ़े हैं तो दोस्तों आप हमसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन पर प्रेस करके, ताकि आपको भी डेली इंपॉर्टेंट वीडियोज की नोटिफिकेशन मिले, ताकि आप भी अच्छे से एग्जाम को पास कर जाए। तो आप दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, यह प्रश्न मैं बहुत बार करा चुका हूं और ये प्रश्न सेम का सेम आया है, सोडियम को किसमें डुबाकर रखा जाता है। तो आंसर हो जाएगा मिट्टी के तेल, यानी कि केरोसिन ऑयल में सोडियम को डुबा के रखा जाता है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। रेलवे ग्रुप डी में अगर जो आपके पास 2 से 3 दिन टाइम है तो आपके लिए एक अच्छी ईबुक है, उसके बारे में आपको बता दूं दोस्तों। एलबुक पब्लिशर ने एक ई बुक बनाई है जिसका नाम है ग्रुप डी सजेशन 2018। दोस्तों ये बुक 10 भाषाओं में है, आप किसी भी भाषा में इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं दोस्तों। इस बुक की कीमत एलबी पब्लिशर ने 100 रुपये रखी थी, लेकिन मेरे कहने पे दोस्तों ये बुक मात्र आपको 30 रुपये में मिल जाएगी दोस्तों। इस पर 70% की डिस्काउंट मिल रहा है आप मेरे थ्रू लेंगे तो। दोस्तों इसमें आपको क्वेश्चन किस टाइप के मिलेगा, तो वन लाइनर क्वेश्चन मिलेगा, जैसे आपके पास टाइम दोस्तों बहुत कम बचा है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें आपके कौन से क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों कवर हो जाएंगे, जो रेलवे ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। आप इसको ले कहां से सकते हैं, तो इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूं, कमेंट बॉक्स में भी दे दिया हूं। आप कहीं से भी दोस्तों इसको मात्र 30 रुपए में ले सकते हैं दोस्तों। ये बुक मार्केट में या ऑफलाइन आपको नहीं मिलेगी दोस्तों, ये आपको ऑनलाइन ही मिलेगी दोस्तों। ये आपको कैसे ही लेंगे दोस्तों, जब जिस पे जो ईमेल आईडी यानी कि ईमेल आईडी दोस्तों डालेंगे उसी पे ये बुक डाउनलोड होगी दोस्तों, और उसी पे इसका पासवर्ड भी मिल जाएगा और आप उसे पढ़ सकते हैं। मेरे देखने में दोस्तों ये बुक अच्छी लगी है, आप भी देख लीजिएगा दोस्तों, अच्छी लगे तो इसे जरूर ले लीजिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्या प्रश्न पूछा गया था। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न उसमें मैथ से, मैं बता दूं मैथ से कैसे प्रश्न पूछा गया था। मैथ में एक प्रश्न दोस्तों पूछा गया है, मॉर्निंग शिफ्ट का फर्स्ट शिफ्ट का ही है। तो प्रश्न पूछा गया था, जेम्स और राधा की आय का अनुपात 1:2 है और वो दोनों मिलकर 87 रुपये कमाते हैं, तो राधा का हिस्सा कितना होगा। ये प्रश्न क्या मैं कराया नहीं हूँ, मैं बहुत बार इस टाइप का प्रश्न करा चुका हूँ और आप इसे किए होंगे तो आप इसका सेकंडों में सोल्यूशन भी कर दिए होंगे। तो देखिए दोस्तों इसको आपको सॉल्व करना कैसे है, अगर जो मैं आपको बता दूँ तो जेम्स और राधा लिख लेंगे और दोनों का आय का अनुपात दोस्तों कितना है, 1:2 है। ठीक है, तो दोनों मिल के कितना हो जाएगा दोस्तों, रेशियो में हम देखें तो जेम्स का 1 है और राधा का 2 है, तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 रेशियो बराबर कितने रुपए कमाते हैं दोस्तों, तो 87 रुपए लिखा ना, दोनों मिलकर कितने रुपए, 87 रुपए कमाते हैं। तो 3 रेशियो बराबर दोस्तों 87 है, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 29 रुपए। 1 रेशियो कैसे निकालेंगे दोस्तों, हम 87 को क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 1 रेशियो का मान आ जाएगा 29। ठीक है, अगर जो दोस्तों जेम्स का पूछता तो हम क्या करते, जेम्स का तो 1 रेशियो है ना, तो 29 रुपए हो जाता, लेकिन पूछ किसका रहा है दोस्तों, यहां पे देखेंगे पूछ रहा है राधा का
हिस्सा कितना है? किसका दोस्तों पूछ रहा है? राधा का हिस्सा कितना है? तो राधा का हिस्सा कितना है? 2:1 है। जेम्स का कितना है? 1। जेम्स का पूछता तो 29 रुपये, और राधा का पूछेगा तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 29 × 2 कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 29 × 2 करेंगे तो 58 रुपये हो जाएगा राधा की आय। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 58 रुपये। इस प्रकार के दोस्तों प्रश्न आएंगे तो आप ऐसे कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस प्रश्न को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। और समझ गए हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और हमसे जुड़े जरूर रहिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपके साथ पूरी लाइफ टाइम दोस्तों जुड़ा रहूंगा, नौकरी के बाद भी जुड़ा रहूंगा, ऐसी बात नहीं है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न भी आपका पूछा गया था, बताइए। भी प्रश्न मैं कई बार करा चुका हूं। प्रश्न क्या है, 4, 12 और 112 का HCF क्या होगा? दोस्तों HCF का मतलब मैं आपको बताया था जब पढ़ा रहा था, तो आपको नंबर सिस्टम से रिलेटेड प्रश्न, तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब दोस्तों बड़ी से बड़ी वो संख्या जो सब में कॉमन रहे, यानी कि 4 जो है दोस्तों, सोल्यूशन देख लीजिए, 4, 12, 112 में कौन सी कॉमन है, यानी कि फैक्टर उसका करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 4 का गुणनखंड दोस्तों 4 ही होगा, 12 का गुणनखंड कितना होगा, 4 × 3 हो जाएगा, और 112 का गुणनखंड दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 × 128। तो दोस्तों 4 के लिए सबसे बड़ी संख्या तो 4 ही हो जाएगी, लेकिन इसमें पूछ रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सब में दोस्तों कौन सी संख्या आपको कॉमन दिख रही है, तो आप दोस्तों बोलेंगे सारे संख्याओं में से आपको 4 कॉमन दिख रही है, 4 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है, और आपका आंसर जो हो जाएगा HCF क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 HCF हो जाएगा, अगर जो 4 आप टिक किए हैं तो सही हो जाएगा, और आगे भी आपको पेपर में ऐसे पूछा जाएगा, तो HCF आप ऐसे निकाल सकते हैं। और दोस्तों अगर जो HCF से रिलेटेड ऐसे प्रश्न आ जाए दोस्तों, जिसका गुणनखंड आप देख ही रहे हैं दोस्तों इसमें 4 है और 4 से सब में डिवाइड यानी कि भाग चला जा रहा है, और 4 ही एक इसमें एक छोटी सी भी संख्या है और सबसे ये बड़ी भी संख्या है कॉमन यानी फैक्टर में अगर जो करेंगे, तो आपको ऐसे ही इसको सॉल्व भी नहीं करना था, अगर जो आप 4 टिक कर देते तो आपका आंसर क्या हो जाता, सही हो जाता। ठीक है, अगर जो 4 से डिवाइड ही 112 नहीं होता तब इसका क्या होता, 2 होता। ठीक है, तब होता, लेकिन ये 4 से जब देख रहे हैं कि ये संख्या 212 डिवाइड है, तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसमें आपको मैं बता दूं दोस्तों, टाइम एंड वर्क से आपके 3 से 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर जो टाइम एंड वर्क का वीडियो मेरे नहीं देखे हैं तो आप उसे देख लेंगे, तो आपके वो भी प्रश्न कवर हो जाएंगे। मेंसुरेशन से दोस्तों 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो सब मैं क्रैश कोर्स में करा दिया हूँ। क्रैश कोर्स का वीडियो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दिया हूँ, आप देख लेंगे तो आपके सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे और आप अच्छे से एग्जाम पास कर जाएंगे। देखिए दोस्तों, परसेंटेज से भी 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से भी 1 से 2 प्रश्न पूछा जा रहा है। परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस, ये सब प्रश्न आपको मैं बहुत ही इजी तरीके से कराया हूँ। चाहे आप दोस्तों कहीं ट्यूशन या कोचिंग पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं कोई मायने नहीं रखता, मैं इतना अच्छा से आपको बताता हूँ क्योंकि आपको सारे प्रश्न समझ में आ जाएंगे। तो आप सारे मैथ की भी वीडियो देख लीजिएगा दोस्तों पेपर से पहले पहले तक, ताकि आप एग्जाम को अच्छे से पास कर जाएं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, रीजनिंग से बता दूं आपको कैसा प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही इजी प्रश्न पूछा गया है रीजनिंग का। मैं इतना आपको क्वेश्चन करा दिया हूं क्रैश कोर्स में, आपका एक भी प्रश्न छूट नहीं सकता, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों पहला उसमें प्रश्न पूछा गया है मॉर्निंग शिफ्ट में, अगला पद क्या होगा, अगला पद क्या होगा, 7 है 14 है 21 है 28 है, तो क्या होगा दोस्तों, आप देखेंगे 7 के बाद 7 जुड़ा है 14, फिर क्या हुआ है 7 पहाड़ा इसका पढ़ सकते हैं तो या जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो 7 × 7 = 14 और 7 × 3 = 21 7 × 28 और 7 × 5 क्या हो जाएगा 35। अगला पद क्या होगा दोस्तों 35 होगा, जोड़ भी देंगे 7 7 7 7 सब में जोड़ेंगे तो अगला पद इसका क्या हो जाएगा 35। ये भी प्रश्न इजी है, ये भी प्रश्न कराया हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए दूसरा, उसमें एक और प्रश्न पूछा गया था, ये प्रश्न पूछा गया है, ये निम्न में से भिन्न या अलग कौन है, यानी डिफरेंट बताना है दोस्तों 120 300 111 और 133 में अलग कौन सी संख्या है। तो दोस्तों इस टाइप की संख्या पूछे तो आपको क्या करना है, मैं आपको क्रैश कोर्स में बताया भी था, आपको देखना है दोस्तों इसमें से किसमें कोई एक ऐसी संख्या लेंगे जिससे सब में भाग चला जाए। ठीक है, भाग किस में चला जाएगा, 120 है, 300 है, 111 है, 133 है। अगर जो दोस्तों हम ध्यान से देखें तो अगर जो 120 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, यानी कि 3 × 4 = 12, 40 बार में ये डिवाइड हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, और 300 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 100 बार में दोस्तों ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, और 111 को दोस्तों 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 3 × 3 = 9 और 3 × 7 = 21, 37 बार में ये भी डिवाइड हो जाएगा, और दोस्तों हम इसको 133 को 3 से करेंगे
तो 3 चौक को 12, उसके बाद 13 हो जाएगा, ये वाला आपका डिवाइड नहीं होगा। तो ये 133 क्या है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से यानी कि चारों संख्याओं में से अलग है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 133 हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, मिरर इमेज से पूछा गया प्रश्न है। मिरर इमेज के लिए मैं एक आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो भी बनाई थी 3-4 दिन पहले दोस्तों। अगर जो आप मिरर इमेज के देखे होंगे वीडियो, तो आपका प्रश्न एक भी गलत नहीं हो सकता। मिरर इमेज आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाया हूं। देखिए दोस्तों मिरर इमेज में पूछा गया था मोब, MOB का क्या होगा मिरर इमेज, अगर जो मिरर दोस्तों यहां पे रखी गई है। तो दोस्तों मैं आपको बताया था मिरर इमेज में, यहां पे भी बता देता हूं, मिरर इमेज में दोस्तों जो ये दाहिने वाला होता है ना, ये आपका बाएं आ जाता है और बीच वाला बीच में ही रहेगा, यानी कि जो दाहिने होगा वो बाएं आ जाएगा और जो ये आपका ये बाएं साइड में है ये आपका दाहिने साइड में चला जाएगा। और क्या होता है, इमेज जस्ट उलट जाता है, यानी कि उलट जाएगा तो उल्टा उसका कर देंगे दोस्तों। बी का उल्टा दोस्तों कैसे हो जाएगा, बी दोस्तों ऐसे है, अगर जो मिरर यहाँ लगेगी तो बी क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर जो दोस्तों बी आपका ऐसे है और मिरर दोस्तों आपका यहाँ लग रही है इस साइड में, तभी दोस्तों आपका बी ऐसे ही होगा, उल्टा हो जाएगा। बस किसी साइड में लगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और ओ को दोस्तों अगर जो हम पलटेंगे ओ को, तो ओ तो गोल है तो वैसे ही रहेगा, एम को भी पलटेंगे तो एम वैसे ही रहेगा। अगर जो दोस्तों यही वाटर इमेज रहता दोस्तों, अगर जो वाटर इमेज रहता MOB लिखा रहता, तो वाटर इमेज में दोस्तों कहां इमेज बनता है, यहां मिरर की तरह यहां पे नीचे वाटर होता है, तो ये दोस्तों आपका कैसे हो जाता है, W की तरह O ये हो जाता है M, और O ऐसे हो जाता और B दोस्तों आपका ऐसे ही रहता है। ठीक है, तो ये वाटर इमेज का इमेज ऐसे बनता है। ठीक है, नीचे से सीधा पलट जाता है, यानी कि जो ऐसे रहेगा ऐसे पलट जाएगा। और ये अगर जो मिरर इमेज आपका है दोस्तों, वाटर इमेज तो उल्टा पलटता है यानी कि सीधा ऐसे, और ये आपका साइड से पलटता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे कि मिरर इमेज से रिलेटेड प्रश्न आएंगे या वाटर इमेज से प्रश्न आएंगे, तो आप अच्छे से कर लेंगे। देखिए दोस्तों चौथा एक प्रश्न पूछा गया था, उसमें देखिए 29 का संबंध 58 यानी कि 29 का संबंध 58 से है, तो 17 का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 29 कैसे 58 से संबंध है, तो 29 × 2 करेंगे तो 58 आ जाएगा। ठीक है, और दोस्तों हम क्या करेंगे, 17 × 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 17 × 2 = 34, 17 × 2 क्या होता है 34, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां प्रश्नवाचक चिन्ह पे 34 हो जाएगा। आप मैं उम्मीद करता हूं आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए, 29 × 58 तो 17 × 34। नेक्स्ट दोस्तों देखिए पांचवा प्रश्न पूछा गया था, ये भी इजी प्रश्न है, सारे प्रश्न कराए हुए दोस्तों, आपको एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा पेपर में मिलेगा कि ना मैं कराया हूं। लगभग 90 से 95% आप पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे अगर जो आप मेरे से पढ़े हैं तो दोस्तों, क्योंकि मैं आपको उन्हीं प्रश्नों को कराया हूं दोस्तों जो आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था, 35 का संबंध 7 से है तो 125 का संबंध किससे होगा, यानी यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पे आपको भरना है। तो आप दोस्तों क्या करेंगे, इसका दो तरीका हो सकता है, एक तो आप कर सकते हैं क्या, 7 35 को हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जा रहा है, 5 बार में, यानी कि ये आपका कितने से भाग गया है दोस्तों, 35 में हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7। हम 125 को भी 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 × 2 = 10 और ये आपका 25 हो जाएगा, 5×5 = 25 यानी कि 25। तो ये क्या भरी जाएगी प्रश्नवाचक चिन्ह पे, 25 भरी जाएगी। एक तो ये रहा, दूसरा मेथड देखिए, 7×5 = 35 हो रहा है तो कितने 125 होगा दोस्तों, तो 25×5 आपका क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो यहाँ पे भरी जाने वाली संख्या क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला इसमें एक प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन अलग है यानी भिन्न है, अलग आपको बताना है। 4 उसमें दिया गया था, नींबू था, इमली था, कच्चा आम था और चीनी है। तो इसमें दोस्तों अलग कौन सा हो जाएगा, आप तो ऐसे ही बता देंगे, नींबू है खट्टा होता है, इमली है खट्टा होता है, कच्चा आम खट्टा होता है। तो आप ये मत सोचिएगा दोस्तों कि कोई कोई कच्चा आम मीठा भी होता है, तो ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं सोचेंगे। कच्चा आम साधारणतः खट्टा ही होता है और चीनी क्या होता है, मीठा होता है। तो चीनी आपका अलग हो जाएगा यानी कि डिफरेंट हो जाएगा। और एक और तरीका है दोस्तों, नींबू क्या होता है, पेड़ पे फरता है ना, नींबू पेड़ पे लगता है, और इमली भी आपका पेड़ पे लगता है, कच्चा आम भी पेड़ पे लगता है, लेकिन ये गन्ना पेड़ पे नहीं लगता है, गन्ना का एक सीधा सीधा पेड़ ही होता है। ठीक है,
तो ये चीज आपका गन्ना मतलब चीनी क्या होता है, चीनी का गन्ना से बनाया जाता है, ये चीज समझ लेंगे आप ऐसे भी, तो आपका ये अलग लग जाएगा। ये आप प्रश्न को आप अच्छे से कर सकते हैं, इस टाइप से आएंगे प्रश्न, कॉमन सेंस पे आते हैं तो आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, सातवां इसमें प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, बता दूं सेकंड और थर्ड शिफ्ट के जितने भी प्रश्न हैं और आपके करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है उसको मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा दोस्तों, आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको सारे प्रश्न मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक कहाँ है तो कमेंट बॉक्स में भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। देखिए दोस्तों प्रश्न आया था 9 का संबंध 80 से है तो 100 का संबंध किससे होगा, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पे आपको भरना है। तो देखिए दोस्तों 9 का ऐसे संबंध है तो अगर जो हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा 81, 81 में से एक घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 80। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, फिर हम क्या करेंगे 100 का स्क्वायर करेंगे, 100 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, 10,000 में से एक घटा देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 9,999, 9,999 आ जाएगा। तो यहाँ पे भरी जाने वाली संख्या क्या हो जाएगी 9,999 हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सारे प्रश्न को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे, और दोस्तों ये सब प्रश्न आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक वाला सिंबल इस टाइप से होगा, और यहाँ पे दोस्तों आप क्लिक करके वीडियो को शेयर कर सकते हैं फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम, आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हो दोस्तों यहाँ पे क्लिक करके आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आप हमसे नहीं जुड़े हैं या आप नए हैं इस चैनल पे तो नीचे दोस्तों रेड कलर का इस टाइप से सब्सक्राइब दोस्तों लिखा होगा, आप वहाँ पे क्लिक करके दोस्तों जुड़ जाइएगा। सब्सक्राइब करने के दोस्तों कोई भी चार्ज या पैसा नहीं लगता है, और दोस्तों बगल में आपका बेल आइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों, आप उसे क्या करेंगे दोस्तों बेल आइकन पर प्रेस कर देंगे तो बेल आइकन इस टाइप से दिखने लगेगा, यानी बेल आइकन ऑन हो जाएगी। इससे क्या होगा दोस्तों, मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसको आपको डेली नोटिफिकेशन मिलने लगेगी। तो सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।